नमस्कार, सरपंच ने ऐसा क्या फैसला लिया? कहानी सुनते हैं दोस्तों। एक बार एक गांव में एक सरपंच जी रहते थे। उनकी तेज बुद्धि से उन्हें जाना जाता था। पूरा गांव उनका सम्मान करता था तथा गांव की खुशहाली के लिए सरपंच जी खूब मेहनत करते थे। यही नहीं, दूर दूर से भी लोग उनके पास न्याय मांगने आते थे। एक बार दूर गांव से उनको मिलने के लिए एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मैंने किसी यात्री को रात में रहने के लिए जगह दी थी, किंतु वह कीमती चीज लेकर भाग गया। सरपंच जी कहते हैं कि उस व्यक्ति को और जिसने उसे पकड़ा है यहाँ उपस्थित करो। दूसरे दिन दोनों को उपस्थित किया जाता है। सरपंच जी पहले यात्री यानी अतिथि से पूछते हैं कि क्या तुमने चोरी की है? वह कहता है, नहीं, मैं तो आराम से कमरे में सो रहा था। मैंने तो चोर की आवाज़ सुनी तो उसके पीछे भागा और इसने मुझे ही पकड़वाया और मुझे ही दोषी बताया। फिर दूसरे कैदी से पूछते हैं कि जो कि गांव का चौकीदार था, वह कहता है कि मैंने इसे भागते हुए देखा, तभी मैंने इसको पकड़ा। सरपंच जी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने दूसरे दिन दोनों को आने के लिए कहा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। सरपंच जी ने एक उपाय सोचा और कहा कि गांव के बाहर एक बक्सा पड़ा है, तुम दोनों उसे मेरे पास ला दो तो मैं तुम दोनों की चोरी की सजा को क्षमा कर दिया जाएगा। दोनों दौड़ते हुए जाते हैं और दोनों चलते जाते हैं। बक्सा लाते समय दोनों बातें करते हैं कि तू गांव का चौकीदार है तो तू चोरी क्यों करता है? तब वह चौकीदार कहता है कि मैं चोरी कर रहा था तो तूने मुझे पकड़वाया क्यों? फिर दोनों पहुंच जाते हैं और कहते हैं, सरपंच साहब, इतने भारी बक्से में क्या है? सरपंच जी बक्सा खोलते हैं तो उसमें से एक आदमी निकलता है। वह आदमी सब कुछ कहता है जो उसने उन दोनों की बातें सुनी थी। आखिर चौकीदार को सजा होती है और अतिथि को सम्मानित किया जाता है। आखिर सरपंच जी की सोच ने एक सही फैसला सुनाया जिससे वह अतिथि निर्दोष साबित हुआ। सरपंच जी की सही सोच का सही परिणाम रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बड़ी सोच होनी चाहिए, उससे हर समस्या का हल किया जा सकता है। आशा करती हूँ दोस्तों, ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।